कन्नड तालुक्यामध्ये वसुंधरा राजे यांची सभा सुरू आहे, पाहूयात। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति हमारे राजस्थान का प्रभारी 5 साल तक रहा श्री गोपीनाथ जी मुंडे, आज उनके सामने भी मुझे आप लोगों के बीच में फूल रखने का मौका मिला। ये भी हमारे भाई जैसे थे। मी गेली होती जुन्नर, जुन्नर मध्ये मीटिंग करून आली होती, तर शिवनेरी चे दर्शन करून आली होती। आज तक मेरे को जाने नहीं दिया, परंतु वरुण हेलिकॉप्टर मध्ये प्रणाम करून मी आली होती। आणि बघितलं होतं की सगळे लोक शिवाजीचं इतकं नाव घेतात, परंतु ते शिवनेरी मध्ये काय झालंच नाही। काय झालं मला समजलं नाही, आता मुझे नहीं समझ में आया। पर मुझे ये समझ में आया कि आज श्रद्धांजलि देना चाहूंगी मैं हमारे गोपीनाथ जी मुंडे को, जिन्होंने छोटे परिवार से निकल के अपने औकात और आप सबकी औकात को बनाई और शिवनेरी से उन्होंने यात्रा अपनी चालू की। पूरे महाराष्ट्र के अंदर घूम के सब लोगों को, नीचे से ऊपर तक, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सबको एक परिवार के रूप में सबको इकट्ठा करने का काम उन्होंने किया। काश वो आज हमारे बीच में जिंदा होते तो इतिहास ही एक अलग बात होती। परंतु आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़े परिवार का आदमी नहीं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आपके सामने खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी की खूबी यह है, कहां से हमारे छोटे से परिवार से उठ के हमारे मुंडे जी आए, कहां से हमारे छोटे परिवार से उठ के संजय जी है। हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सर आंखों के ऊपर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है, और आज भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को टिकट देके आपके सामने खड़ा करने का काम हमने श्रद्धांजलि के रूप में गोपीनाथ जी मुंडे का आपके सामने उनको पेश करने का काम किया। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।